तो दोस्तों फाइनली आप देख रहे हो सिंपल कूलर की जाली है फाइबर वाले की, और लोहे वाले में भी आप ये हनी पैड लगा सकते हो। आज हम इसमें लगाएंगे हनी पैड, ये जो आप देख रहे हो। तो सबसे पहले हमने इसके बराबर इसको काट लिया है, ये देख लो आप, हमने इसको अच्छी तरह से काट लिया है बिल्कुल बराबर। काटने के बाद आपको कुछ बातें ध्यान देनी दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर जगह नहीं होती लगाने की, आपको ध्यान देना इस चीज़ का, जगह नहीं होती लगाने की। तो हमने इसको बराबर पहले काट लिया है, काटने के बाद हमें क्या करना है कि इसके पास कोई जगह या पेज तो होते नहीं इसमें लगाने के लिए, तो हमने क्या करना है इसके काटने के बाद बराबर, और ये ध्यान रखना इसकी मोटाई का, इसकी मोटाई ज़्यादा ना हो, अगर मोटाई ज़्यादा होगी तो अंदर ब्लेड में अड़ेगी ही अड़ेगी, इसलिए आप इसका भी ध्यान दें, 1-1.5 इंच ज़्यादा मोटी नहीं लगाए, या आप पहले देख ले कि पंखड़ी में जगह है, उसके बाद ही उस हिसाब से मोटाई के हिसाब से आप लगा सकते हो। तो दोस्तों फाइनली हमने इसके बराबर दोस्तों काट लिया, अब हमें ये सीख लेनी है इस टाइप की, ये लकड़ी की सीख हमने काट ली है जो ईजिली कहीं भी मिल जाएगी, कारपेंटर वाले के पास भी काफ़ी पड़ी होती है एक्स्ट्रा चिप्पी है। आप इसको बराबर काट के ऐसे 3 टुकड़ों में या 2 टुकड़ों में ऊपर नीचे भी लगा सकते हो, ऐसे काट के बिल्कुल इसी तरीके से काट के, और आपको तार से बांध लेना है, ये हमने भी इसको तार से बांधा है, इसी तरीके से तार से ऊपर बांध दिया, एक इस साइड मुँह बांध दिया, एक उस साइड मुँह पर बांध दिया, नीचे भी हमने यही करा एक साइड और एक साइड बांध दिया। ध्यान रखना आपको ज़्यादा लंबी को लकड़ी लंबी नहीं करनी है, अगर लंबी तो थोड़ा काट दे, नहीं तो ढक्कन अड़ेगा। और बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि ये देखो बिल्कुल कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है ये दोस्तों। इसी तरीके से आप किसी भी कूलर के अंदर आप इस पेड़ को लगा सकते हो, इसकी लाइफ भी ज़्यादा है और कूलिंग भी बहुत बेहतरीन है, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है। हमने इसको लगा लिया है, अब हम इसको कूलर में फिट करेंगे, और फिट करने के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये कूलिंग करता है और बढ़िया, और लगाने के बाद भी आपको हमें फिर से चेक करना है कि लकड़ी ज़्यादा बड़ी ना हो कहीं से, अगर बीच में आपको ज़रूरत लगती है तो आप लगा सकते हो, वैसे ऊपर नीचे में काम चल जाता कहीं नहीं जाएगी, तो बीच में भी आप लगा सकते हो। तो फाइनल दोस्तों उसको हमने कूलर में लगा लिया है, ये देखो दोनों साइड हमने इसको लगा लिया कूलर के अंदर। तो फाइनली दोस्तों हमने इसको लगा दिया, और देखो इतनी अच्छी इसमें पानी भी आ रहा है, कई पंखड़ी नहीं हट रही इसकी, और तीसरा वाला ढक्कन अभी हम तैयार कर रहे हैं, ये लग रही जाली इसकी, इसमें पेड़ लगा के हम इसको तैयार कर रहे हैं, ये देखो हमने इसको चालू कर दिया, अब देखो कहीं से भी ये नहीं अड़ रही है, इसमें बिल्कुल मामूली सा गैप होता है दोस्तों, आपको ध्यान देना हमेशा इस चीज़ का कि जब भी आप ये हनी पैड लगाओ तो गैप हो पंखड़ी के बीच में, नहीं तो ये अड़ेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान देना, पहले आप इस चीज़ का नाप लें कि कितनी मोटी आपको ये पैड लगानी है। तो दोस्तों हमने फाइनल इसको लगा लिया है, और अब हम इसको चालू करेंगे पानी को, तीसरी वाली लगा के 1 मिनट में इसको चालू कर लेता हूँ, ये देखो हमने इसको चालू कर लिया, प्रेशर थोड़ा कम ही रखा हमने, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो ये बाहर फेंकेगा, अभी जब तक हम उसका तीसरा ढक्कन नहीं लगा देते तब तक हमने कम ही कर रखा है। ये देखो हमने पानी चालू कर दिया, और पंखड़ी अभी चल रही है, पंखा घूम रहा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, मोटर हमने चालू कर दिए, तो ये कहीं से भी नहीं अड़ रहा, देखो दोनों साइड से कहीं से नहीं अड़ रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों धीरे धीरे गीली हो जाएगी पूरी, और इसी तरीके से आप बिल्कुल आप किसी भी कूलर में आप इसको लगा सकते हो, और बहुत आसान है इसको लगाना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और धीरे धीरे ये जो पानी से पूरी घास, ये जो पेड़ है हनी पेड़ गीली हो जाएगी, फिलहाल प्रेशर हमने कम ही रख रखा है, हम इसको चेक कर रहे थे, अड़ तो नहीं रहा गीले होने का, फूलने कई बार गीले होने से पुट्टे फूल जाते, पर ऐसा है नहीं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, जैसा है साइज वैसे रहता है, कोई फिर भी थोड़ा देखना पड़ता है चेक करने के बाद। तो आप इसे लगाने का अच्छी तरीके से इसको आप चेक करें, सब जगह से आप पानी कम आता है, आप होल से खोल देंगे, होल ऊपर बंद होने की वजह से पानी कम आता है, तो आप इसका भी ध्यान दें, सब जगह बराबर गीली हो, जितनी बढ़िया गीली होगी दोस्तों उतनी ही बढ़िया कूलिंग करेगी। तो देखो हमने इसको ढक्कन लगा दिया, तो ये भी गीली हो रही है, तीनों साइड से दोस्तों ढक्कन लगा दिया है, ये आपको लगा रहा है कितनी बढ़िया दोस्तों, 5 मिनट या 3 मिनट ही उसको हमको लगाया हुआ है, और इतनी अच्छी अच्छी। तो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, पानी जब ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसमें बदबू आने लग जाती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि काफ़ी अलग अलग वैरायटी में काफ़ी तरह की इसके अंदर परफ्यूम आती है, आप वो डाल लें कूलर में डालने की, तो उससे घर में खुशबू आएगी और पानी में बदबू नहीं आएगी।